दीपावली हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस फेस्टिवल के आते ही लोग अपने घरों में तरह तरह की तैयारियां करने लगते हैं। वैसे तो हर बार हम दिवाली की तैयारियां लाइटिंग, कैंडल्स और दिए जलाकर करते हैं, तो क्यों ना इस बार दिवाली पर कुछ नया करें। जी हाँ, आप गमलों में फूल के पौधे लगाकर भी अपने घर को कई रंगों से सजा सकते हैं। यह न सिर्फ घर को सजाने का एक बेहतरीन तरीका है, बल्कि आपको नेचर से भी जोड़े रखता है। आज इस वीडियो में हम आपको दिवाली में घर को सजाने के लिए कुछ फूल वाले पौधों की जानकारी देंगे, जिन्हें आप अपनी बालकनी या आंगन में लगा सकते हैं। मैरीगोल्ड फ्लावर। आमतौर पर गेंदे के फूल दो रंगों के होते हैं, पीला और नारंगी। यह एक आसानी से उगने वाला फूल का पौधा है, जिसे आप अपने घर पर गमले में लगा सकते हैं। इस फूल के पौधे को बढ़ने के लिए 6 से 8 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। दिवाली पर गेंदे के फूलों की माला बनाकर घर को सजाया जाता है। लोटस फ्लावर। दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उन्हें सबसे अधिक प्रिय फूल कमल के होते हैं। कमल का फूल पवित्रता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। इन फूलों को आप एक चौड़े बर्तन में धूप वाले स्थान पर लगा सकते हैं। जैस्मिन फ्लावर। जैस्मिन, जिसे चांदनी भी कहा जाता है, यह एक कॉमन फ्लावर है जो न सिर्फ दिवाली पर बल्कि सभी पूजाओं में उपयोग किया जाता है। छोटे छोटे सफेद रंग के यह फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इस पौधे को आप 10 से 12 इंच की लंबाई और चौड़ाई वाले ग्रो बैग में लगा सकते हैं। रोज फ्लावर। गुलाब, जिसे फूलों का राजा कहा जाता है, यह प्यार, सुंदरता और एकजुटता की भावना का प्रतीक है। यह फूल लाल, गुलाबी, सफेद, पीला जैसे कई रंगों में खिलते हैं। गुलाब एक झाड़ीदार फूल का पौधा है, जिसे आप घर पर गमले में भी लगा सकते हैं। क्रिसैंथेमम फ्लावर। यह लंबे समय तक चलने वाला फूल है, जिसे गमले में लगाकर आप दिवाली पर घर की सजावट कर सकते हैं। गुलदाउदी फूल का पौधा पूर्ण सूर्य के प्रकाश और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में ग्रोथ करता है। इसे आप बीज और कटिंग दोनों से लगा सकते हैं। जेरेनियम फ्लावर। खूबसूरत फूल जेरेनियम दिवाली की सजावट में कलरफुल और मनमोहक सुगंध का योगदान देता है। यह फूल नई शुरुआत का प्रतीक है और पॉजिटिविटी लाने के लिए घरों में लगाए जाते हैं। जेरेनियम पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए नियमित रूप से पानी दें। ब्रह्मा कमल फ्लावर। ब्रह्म कमल साल में एक बार जुलाई और अक्टूबर माह के बीच रात के दौरान खिलता है। यह फूल भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को प्रिय है, जो कि सफेद रंग का होता है। यह फूल बेहद ही शुभ माना जाता है। आप इस फूल वाले पौधे को अपने घर पर गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। हिबिस्कस फ्लावर। हिंदू धर्म में गुड़हल का फूल देवी काली और भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। आप इसे दिवाली के आसपास भी उगा सकते हैं, क्योंकि यह फूल स्नेह और शांति का प्रतीक है। हिबिस्कस के फूल कई अलग अलग रंगों और शेड्स में भी आते हैं, जो आपके घर में 4 चांद लगा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।